हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन के बेसिक्स को, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें आपको आज हम बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑप्शन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, कॉल क्या है, पुट क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आप सब जानते हैं पुट और कॉल। ये सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था। ये देखो, कॉल, कॉल का मतलब क्या है? वो कॉल असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल को बाय किया तो प्रॉफिट आएगा, राइट? वैसे भी मार्केट नीचे गिरने जा रहा है, आपको लग रहा है नीचे गिरेगा, तब आपको पुट बाय करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, पुट बाय करेंगे। ये क्लियर है? कॉल को अगर बाय किया तो मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट आएगा, अगर पुट बाय किया तो मार्केट नीचे आया तो प्रॉफिट आएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करंट मार्केट प्राइस, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने करंट मार्केट प्राइस जो भी है उसे बोलते हैं एट द मनी, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो भी प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, तो अभी पहले कॉल की बात करेंगे। कॉल देखो, कॉल नीचे से ऊपर आता, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 13,000, 14,000, 14,700, 800, 900 जो भी ऊपर है 16,000, 17,000, 15,100, ये सब ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। सिंपल, जो करंट मार्केट प्राइस से है उसके पास है उसे बोलते हैं एट द मनी, और उसके नीचे है वो इन द मनी कहते हैं, उसके ऊपर करंट एट द मनी के ऊपर आउट ऑफ द मनी कहते हैं। एक कॉल के हिसाब से, क्यों? कॉल असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अगर पुट ऑन द कॉन्ट्ररी, रिवर्स ऑपोजिट साइड में होता है। देखो, ऊपर से आ रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है पुट, सो इसलिए 17,000, 16,000 ये सब इन द मनी कहलाता है। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस एट द मनी है, उसके बाद नीचे अभी भी बाकी है, नीचे आना चाहिए, तो इसलिए इसको इन द मनी, सॉरी ये बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। ठीक है, सो फिर से मैं अब समराइज करूंगा। अगर कॉल बाय किया तो मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट आएगा, अगर पुट बाय किया तो मार्केट नीचे आया तो प्रॉफिट आएगा। अगर ये एट द मनी का मतलब करंट मार्केट प्राइस एट द मनी होता है, करंट मार्केट से ऊपर है कॉल के हिसाब से, वो सब आउट ऑफ द मनी हो जाता है। एट द मनी के मतलब करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, वो सब इन द मनी हो जाता है। ऑपोजिट साइड में पुट बाय किया तो हमको नीचे मार्केट गया तो तभी प्रॉफिट मिलेगा, अगर करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं एट द मनी, सो एट द मनी के ऊपर जो है वो इन द मनी कहलाएगा, सो एट द मनी के नीचे है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर हम अभी निफ्टी चार्ट यहाँ पे होता है, देखो ऑप्शन चेन मारो, निफ्टी ऑप्शन चेन यहाँ पे आ जाएगा आपको, ये दिखेगा। देखो यहाँ पे कॉल्स पुट वगैरह होता है, राइट? ये देखो पुट्स है ये, राइट? ये पुट्स यहाँ पे है, ये कॉल्स यहाँ पे है, राइट? तो अभी नीचे आ जाइए, हमको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो ये एट द मनी है। ठीक है, ये सब कॉल्स है ना, ये सब क्या है? ये देखो 14,300, 400, 500, वो ये इन द मनी, राइट? और भी ये नीचे जाना चाहिए तो आउट ऑफ द मनी। ये क्या है? पुट, राइट? ये कॉल है, ये कॉल, ये पीई, ये सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन द मनी, ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, सॉरी। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये सब ऊपर से आ रहा है ना, देखो 15,000, 14,000 सब, ये हो जाएगा इन द मनी। ठीक है, ये इन द मनी है पुट के हिसाब से, ये आउट ऑफ द मनी है ये सब, और ये सब इन द मनी है, ये सब आउट ऑफ। क्लियर? आप ऑप्शन चेन भी देख लीजिए, समझ में आएगा। और इसके बारे में एडवांस्ड स्ट्रेटजीज वगैरह हम देखेंगे, प्रॉफिट्स कैसे कमाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो तो फीडबैक से, मैं कैसे सीरीज को स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखो। थैंक यू सो मच।